बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक दुनिया के सारे बच्चों को, मेरे और आप सबके बच्चों को से ज़िंदगी और सलामती अता कर दे। अल्लाह पाक मेरे और आप सबके बच्चों को अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बना दे, दीन पे चलने वाला बना दे, दीन सीखने और सिखाने वाला बना दे। अल्लाह पाक मेरे और आप सबके बच्चों के मुकद्दर और नसीब अच्छे कर दे। अल्लाह पाक जो बे औलाद है उनको औलाद दे दे, जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार दे दे, जो मरीज़ है उनको शिफा दे दे। अल्लाह पाक जिन बहन भाइयों की शादियां नहीं हुई उनके मुकद्दर और नसीब अच्छे कर दे, उनकी अच्छी जगह शादियां हो जाएं। अल्लाह पाक कश्मीर के मुसलमानों की, इंडिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह पाक हम सबको और आप सबको दुनिया और आखरत की खुशियां नसीब कर दे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। बच्चे थोड़ा सा तो तेज चलो ना। आज खदीजा का ट्रिप जा रहा है। जी बेटा, जी बेटा। Happy. Are you happy? अच्छा, if you're happy, please can you walk fast then? No, I going to fall down. Oh my God, you don't. It's dirty. Okay, देखो, look. आ जा, hold my hand. We have to run. Huh? We have to run. We have to run. Yes. Okay. I like to go to school to go to get hot. You like? The next station is Dulles Hill. Doors will open on the right hand side. There's dollars and there's money. Very good. Well done. Both of you, well done. Eat your cookie. अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम, और ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम के बाहर इन्होंने बहुत ही खूबसूरत आइस जमाई हुई है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं खड़े हो के मैं वीडियो बनाती, लेकिन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, मैं खड़े होकर वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि चलते चलते फिर मैंने ये वीडियो बनाई। मैंने कहा चलें आप सबको भी थोड़ा सा दिखा दूँ, और ये मेमोरीज़ थी खदीजा के साथ आने की। बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं खदीजा के साथ आई हूँ, और खदीजा माशाल्लाह बहुत बहुत इंजॉय कर रही थी। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश है कि मैं दोबारा उस्मान के साथ आऊँ। पर्सनली मैं आप सबको बताऊँ कि ये जगह मुझे बहुत पसंद आई है, क्योंकि इसमें पुरानी ट्रेन्स थी, पुराना सारा सिस्टम रखा हुआ था उन्होंने, कि ये पहले ये ट्रैक्टर के साथ बस थी, फिर ट्रैक्टर के बाद बड़ा इंजन लग गया, और इससे पहले मतलब कैसे मतलब सिस्टम था, मतलब मैं सही एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ। कि जैसे हमारा पाकिस्तान में समझे अभी सिस्टम है कंडक्टरिंग का, तो उन्होंने बड़े अच्छे से तरीके से डिटेल से बच्चों को बताया कि पहले इंजन क्या था बस का, पहले घोड़े थे, फिर इंजन लगा, फिर ट्रैक्टर मतलब उन्होंने आगे लगाया, पीछे बस का ऐसा सिस्टम बनाया, ऊपर नीचे डबल डेकर थी,
फिर डबल डेकर आई तो कंडक्टर की जॉब ख़त्म हो गई। इतना अच्छे तरीके से उन्होंने बच्चों को सारी चीज़ें डिटेल से बताई, क्योंकि जब मैं सोच रही हूँ मैं और उस्मान और बच्चे आएँ कभी, लेकिन शायद वो ऐसी डिटेल से नहीं बताते। जब हम स्कूल ट्रिप के साथ आते हैं तो वो डिटेल से बताते हैं। तो ट्रेनें पुरानी ट्रेनें थीं, वो चुक 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 वाली धुएँ वाली ट्रेन वो थी। तो वो आगे चल के आप भी ये देखेंगे कि सारा सिस्टम मैंने कोशिश की है थोड़ा दिखाने की, कि आपको दिखा सकूं कि पहले ट्रेन्स कैसी थीं। और ये देखें, ये टिकट मशीन थी, जब वो मशीन में से टिकट निकलता था तो वो पैसेंजर को दे दिया जाता था, और अगर पैसेंजर घुमा दे तो टिकट दोबारा लेना पड़ता था। तीन चार किस्म की उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मशीनें दिखाई कि पहले ये आई फिर ये आई फिर ये आई। तो बहुत ही मज़ा आया, यकीन करें, इन्जॉय किया मैंने खदीजा के साथ। और खदीजा यहाँ पे बना रही है ट्रेन, उन्होंने बोला कि आप ट्रेन बनाएं बस बनाएं, तो देखते हैं कि बच्चा कितना तेज़ है। तो बच्चों का जहन देखने के लिए उन्होंने सारे ये टॉयज़ आने रखे। खदीजा बना तो रही है, लेकिन खदीजा को शायद फिर भी इतना भी नहीं पता कि कैसे बनाते हैं। लेकिन मुझे ये अच्छा हो गया खदीजा के साथ आके कि खदीजा का मुझे लेवल पता चल गया कि खदीजा कितना बोलती है कितना नहीं बोलती। खदीजा की स्पीच डिले होने की वजह से मैंने नोटिस किया है कि खदीजा काफ़ी कम बोलती है, और इसको मतलब अभी घर में प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी कि थोड़ा सा ये बोले, क्योंकि अगर बोलेगी तो फिर टीचरों को भी समझ आएगी कि इसको सवाल आता है। हाथ उठाए और बताए कि हाँ भी ये मुझे ये आंसर पता है, लेकिन खदीजा ऐसे नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी मैं कहती हूँ कि शुक्र अल्लाह पाक, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रही है। तो मैं तो यही बस सोच के वीडियो बनाई कि चलें आप सबको भी मैं ये शेयर करूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने कहा चलें देखते हैं कि आप सबको ये वीडियो कैसे लगती है। अब खदीजा, you don't need money. I have to get down. Press the button. No, no, stop. Not now, not now. Let's start counting. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Drive. Come, Khadija. Khadija, your turn is finished. Come, yes, on. Come down, baby. Isabella, your turn. Don't jump in, Bache. Don't jump. खदीजा मम्मी को देख के काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो रही थी। फिर ऑफकोर्स थोड़ा सा टीचर को बताना पड़ता है कि आपकी टीचर है वहाँ पर, डोंट मूव, डोंट मेस अराउंड। बच्चे देख के एक दूसरे को शरारतें करते हैं, और साथ मम्मी हो तो और ही ज़्यादा बच्चे कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। फिर तो बच्चों को संभालना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टाइम अच्छा गुजर गया। और अब भी मैं आपको आगे बताऊँगी कि ये बस देखें आप, मुझे इतनी अच्छी लगी है, मैंने कहा आप सबके साथ शेयर करूँ, मौका मिल गया मुझे थोड़ा वीडियो बनाने का। और ये देखें, ये कंडक्टर होता था पहले ज़मानों में, जो टिकट देता था कि आप पैसे दें तो फिर टिकट ले लें। इतनी ज़बरदस्त, ये मैं कहती हूँ ये बस इतनी मुझे अच्छी लगी है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसी बसेस होंगी पहले ज़माने में, मुझे देख के इतनी खुशी हुई है। और ये देखें, मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करूं। पहले ही ज़मानों के पहले ज़माने में 20 स्टेज हुआ करती थी बसेस में लंदन में, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी ये सारी चीज़ें। और ये देखें, ये ट्रेन है, और ये देखें कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह खूबसूरत लग रही है। और खदीजा को यहाँ पे टिकट लेके तो ऑफकोर्स लेना पड़ता था, स्टैंप लगानी पड़ती थी, क्योंकि बच्चों की ये चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स बच्चे ये खुश होते हैं करके। तो ये बच्चे फिर अभी जा रहे हैं ट्रेन में, ट्रेन देखने के लिए। बच्चों को सच्ची जो बात है इतनी ज़्यादा कम समझ है कि क्या चीज़ हम देख रहे हैं क्या नहीं। जब बड़े होंगे तो वे समझ में आएगी इनको। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा ये सारी चीज़ें देख के,
बड़ी फैसिनेट की हैं मुझे ये सारी चीज़ें। ये देखें ट्रेन पहले ऐसा हुआ करती थी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ा आया मुझे देख के। There's no statue. Yes. She bought it. She's a black duck. See? I told you. Slowly. The other one? Yes. Statue? Yes. It's upstairs. It's upstairs. There. Achha ji? Yeah. Okay. That's a big step. Yes. This is khadija. आ जाओ खदीजा बेटा, कम ओवर हियर। शैल वी गो डाउनस्टेयर्स देन? नो नो। खदीजा, खदीजा। दैट्स बेबी। यस दैट्स बेबी, क्यूट बेबी। या, कम सिट डाउन, कम सिट डाउन देयर। सेवन, सिक्स, फाइव, four, three, two, one. Seven, eight, nine, ten, zero. Mira baby. Here we go. Now, are you all being good? Yes, okay. No, 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 that's not being good. That's being good. Okay, I will help you. They will count. Don't worry, Khadija. Well done. Let's go. Yes, well done, Khadija. Look, this is train. ये देखें, ये एक और दूसरी ट्रेन है, ये भी बहुत ही खूबसूरत ट्रेन है। ये बाहर से आप जैसे देख सकते हैं, मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगी। तो जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा बहुत मौका मिला, मैंने कहा चले मैं वीडियो बना लूँ। वैसे तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बिलीव मी, ये मैंने आप सबको बताने के लिए ये वीडियो बनाई है। और ये देखें, ये ट्रेन थी पहले ज़मानों वाली या पहले ज़मानों की। ये देखें, ऐसे सीटें होती थी पहले। आई गेस हमारे पाकिस्तान में भी ऐसी ही ट्रेन है,
मुझे कुछ याद नहीं, मैंने बचपन में शायद सफ़र किया था ट्रेन का। और ये इन्होंने स्टेचूज बना के रखे हुए हैं यहाँ पे, कि पहले ज़मानों में ऐसे हुआ करता था। लेकिन बड़ा मज़ा आया ऑनेस्टली देख के। अब इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, व्लॉग मैं नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक हम सबको और आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।